जेल एक ऐसी जगह है जहां समाज के उन लोगों को भेजा जाता है जो समाज में रहते हुए इंसानों के लिए खतरा होते हैं। जेल का नाम सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, मगर आज क्राइम तक पर हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की काशी के एक थाने की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये जेल है या 5-स्टार होटल। अक्सर जेल का नाम सुनकर हमारे सामने एक इमेज बनती है जिसमें भेड़ बकरियों की तरह अपराधी ठुसे हुए होते हैं, मगर वो अब बीते दिनों की बात हो गई है। दरअसल वाराणसी के काशी का एक पुलिस थाना आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कैंट रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी पुलिस स्टेशन की फिजा आजकल बिल्कुल बदल गई है। इसे पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है। थाने में लगा एयर कंडीशन काफी चर्चा में है। इस पुलिस स्टेशन में सेंट्रल एसी लगाया गया है, जिसकी हवा पुलिस स्टेशन के सभी कमरों तक होती हुई हवालात तक भी जाएगी, यानी पुलिस स्टेशन में मुलजिम भी एयर कंडीशनर में रात गुजारेंगे। इसी के साथ उनके लिए सारी सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है, लाइट से लेकर हवालात की चौड़ाई तक सभी आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, रेलवे द्वारा अत्याधुनिक थाना निर्माण किया गया है और सारी जो है आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी कक्षों में सेंट्रल एसी लगी हुई है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगनी है सबके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। और जो हवालात बनाई गई है बहुत ही सुव्यवस्थित और जो मतलब किसी भी रहने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बार बार यह जो है शिकायतें होती रही हैं कि थानों में बहुत प्रताड़ित किए जाते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, मुलजिम भी आते हैं। तो जो एक मानवीय दृष्टिकोण से अपराधी के लिए भी कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है हालात को बनाने में। जीआरपी के थानेदार अशोक कुमार दुबे का कहना है कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट पुलिस स्टेशन का हवालात भी हाईटेक बनाया गया है, ताकि अपराधियों को रात गुजारने में दिक्कत ना हो। ये थाना स्मार्ट क्रिमिनल्स को स्मार्ट तरीके से जवाब देकर लोगों को न्याय दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। हाईटेक तो अपनी पुलिस की अपनी व्यवस्था है और सरकार की व्यवस्था है कि समय के अनुसार जो है परिवर्तन किया गया है इसको। कितने कमरे बने हैं, किन किन विभाग का? अब इसमें कुल एक प्रभारी निरीक्षक कक्ष है, फिर महिला कक्ष है, चूँकि अभी शक्ति ऑपरेशन चल रहा है मुख्यमंत्री जी के, उसमें उसके लिए अलग कक्ष है, फिर सीसीटीवी का अलग कक्ष है, उप निरीक्षक के लिए अलग कक्ष है, थाना कार्यालय है, मालखाना है, शस्त्रागार है। जो थाने की मूलभूत जितनी आवश्यकताएँ हैं, जो थाने का जो मॉडल है उसके अनुसार यह थाना बनाया गया है। तो क्या रहता है, कब तक इसके ओपनिंग होने की संभावना? अब इसका कार्य तो पूर्ण हो चुका है, जो है बिल्डिंग बनकर तैयार है और विभागीय जो भी प्रक्रियाएँ हैं पूरी की जा रही हैं, उसके बाद ये थाना मान के चलिए। किस नाम से थाना बनेगा? अब जीआरपी कैंट वाराणसी के नाम से ही बना ही है, वही रहेगा नाम इसका। अब ये बीते दिनों की बात होगी, किसी मुलजिम के लिए थाने के लॉकअप में एक रात गुजारना भी इसलिए मुश्किल हो जाया करता था क्योंकि ना तो वहाँ साफ सफाई हुआ करती थी और ना ही साफ हवा में मुलजिम सांस ले पाता था। अब इसके ठीक उलट वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने को हाईटेक और सेंट्रल एसी युक्त बना डाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।